लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा में आपका स्वागत है। यहाँ के जो समोसे हैं मेनली मतलब लोग बाहर के जो समोसे हैं उनके साइज से छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे इसको समोसे भी कहते हैं, छोटे समोसे, और काफ़ी मतलब इतना कॉस्टली भी नहीं है। लोग आते हैं 10 के 3 मिलते हैं, खाते हैं आराम। और मेन यहाँ पे क्या रहता है कि लोग मिर्ची और ये चटनी, आप वहाँ बाहर भी देखोगे तो चटनी थोड़ा गाढ़ी रहती है, पर यहाँ पे चटनी लोग पतली खाते हैं एकदम समोसे को पूरा गीला करके बढ़िया तरीके से। और साथ में जलेबी है। हाँ, साथ में जलेबी। रीवा का ट्रेडिशनल नाश्ता है वो समोसा है। समोसा, और लोग अपने दिन की शुरुआत समोसे से करते हैं। लोग खाना भी, लोगों के लिए नाश्ता भी यही है, खाना भी यही है। दुकान का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, बेनाम स्वीट्स। हाँ, लाजवाब समोसा। लाजवाब पहले का कोई नाम नहीं है, बताएंगे है? क्यों है, कोई नाम नहीं है, बेनाम है। बना हुआ तो बिल्कुल एकदम खस्ता है। समोसे का साइज आप कहना है, एक तरह से जो मिनी समोसा है और जो बड़ा समोसा होता है उसके बीच का है, मीडियम साइज समोसा। साथ में जो अंदर में आलू का मसाला है वो अच्छे से इसको भुनाई करके खड़े मसाले के साथ में हल्दी वगैरह डाल के बनाया गया है। इसके साथ में एक तली हुई हरी मिर्च देते हैं, ऊपर से नमक लगा हुआ है। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ खा सकते हैं। चटनी इसमें खट्टी मीठी दोनों होती है, इमली की चटनी है और आम की चटनी है। और इसको अगर चाट बनाना है तो इसमें छोले डलवा लें और नमकीन डलवा लें। और आपको यहाँ पे मिर्च जो मिलेगी, जैसे अपन समोसे वगैरह खाते हैं लोग तेज मिर्च के खाते हैं, यहाँ आपको मीडियम मिर्च मिलेगी, आप एडजस्ट कर लोगे बड़े आराम से। ये तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, अंबर चाट फुल्की सेंटर। यहाँ पे आलू टिक्की चाट बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ऐसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो भयंकर भीड़ है भाई। हाँ, और एक तरफ लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, एक तरफ चाट चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे आलू टिक्की और छोले हैं कि मटर? मटर 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 है, आलू टिक्की और मटर, और साथ में फुल्की। फुल्की, अच्छा तो ये आलू टिक्की चाट के बारे में बताओ, ये काई काई का मसाला है इसमें? इसमें चने की दाल है और मक्के का आटा है, आलू है और काली मिर्च है, लौंग है, मिर्ची है, धनिया है, यही पापड़ है। मतलब जनरल जितने मसाले यूज होते हैं सारे इसमें आप यूज करते हो, फिर उसको तेल में ऐसे फ्राई करके फिर इसको वापस चाट बना देते हैं पूरा फोड़ के। ये आलू टिक्की चाट है और उसके ऊपर में मटर, साथ में भुजिया, प्याज और जो गोलगप्पे हैं उसको क्रश करके डाला गया है। ये वाह, बिल्कुल अच्छे से सिकी हुई है जी। अगर जायके की बात की जाए बिल्कुल खट्टा मीठा जायका है और टिक्की काफ़ी करारी है। लेकिन टिक्की में ना हर जगह पे अलग अलग तरीके से सर्व की जाती है, कहीं में सिर्फ चटनी के साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जैसे आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं, बिहार की तरफ जाएं, झारखंड की तरफ जाएं, मध्य प्रदेश की तरफ आएं, तो उसको एक तरह से चाट की तरह बना के खाते हैं जी। मतलब मटर डाल दिया, कहीं छोले डाल देते हैं, उस तरह से। दस की पाँच, दस के दस, और चने का साग कैसे थैली देते हैं? दस के दो। क्या ये ले लें? एक एक दे दीजिए। एक थे चाहिए, एक थे पांच के, पांच के, हाँ पांच के चाहिए।
हाँ 10 के दे दा। सिंघाड़ा हो गया, और ये जो नमक है इसमें धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है और अदरक है ना, सबको साथ में पीस दिए। भाई एक एक पीस खाया जाए। इसको वाटर चेस्टनट बोलते हैं अंग्रेजी में और सिंघाड़ा बोलते हैं हिंदी में। ये उबला हुआ सिंघाड़ा है इसलिए ऐसा बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का है, और इसको खाते हैं नमक के साथ। 1 रुपये गया। आयरन होता है, बहुत फायदेमंद, बहुत टेस्टी है। एक तरह का कितनी मीठा है। हाँ मीठा है। सिंघाड़े का आटा भी बनता है, आपने सुना होगा, लोग जो है अपने उपवास टाइम में खाते हैं। आप लीजिए, बहुत टेस्टी है दीदी, बहुत बढ़िया बनाया है। नमक बहुत स्वादिष्ट है और साथ में सिंघाड़ा भी। तो ये हम लोग आ गए हैं इस इलाके को कहते हैं ढेकहा। ये रेलवे स्टेशन रोड है, काफ़ी बिजी रोड है ये भी, और यहाँ पे आप लाइन से देख रहे हैं लाई की दुकानें हैं, जहाँ पे एकदम गरम गरम लाई बन रही है। आइए यहाँ पे ट्राई करते हैं। लइया बना रहे हैं, लइया। और कैसे किलो देते हैं? 80 रुपये किलो। एक कितना पीस रह जाता है एक किलो में? एक किलो में 35 और 40 के बीच में। ये एक किलो है? हाँ, एक किलो। बड़े आराम से पूरे घर के लिए हो जाएगा। थोड़ा तेल लगा लीजिए। कौन सी का तेल है? सरसों का तेल। हाँ। अच्छा, इससे हाथ में चिपकता नहीं होगा। हाँ। है ना, गुड़ नहीं चिपकेगा इससे हाथ में। इतना ठीक है जी। अब इसके बाद कितना माल लेना है? वो जितना आपको मर्जी हो, छोटा बड़ा। अच्छा ठीक है, देखिए चलिए बताते रहिएगा। हम एक बार गए थे इलाहाबाद। हाँ। वहाँ बनाए थे गुलाब जामुन। रीवा में बना रहे हैं लड्डू। थोड़ा और बड़े करिए तब की आप। हम ही खाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाथ दिखेगा ना हमको, तो तोल के देना है आपको। तो ये जो बनाया जा रहा है इसको लाई बोलते हैं। ये मूढ़ी तिल, काला तिल है इसमें, और गुड़ है। गुड़ है, और मोस्टली इसको जाड़े के समय खाते हैं, ठंड के समय। और ये मिठाई ज़्यादातर दिवाली मकर संक्रांति पे आपको मिलेगी। हाँ, दिवाली से लेके और चैत्र रामनवमी तक, रामनवमी तक चलता है। ये जो हम बनाए हैं ना, ये हमारा तोल दीजिएगा। ठीक है, छोटो घर में ताजी बनती है, बहुत टेस्टी। अच्छा, इसमें सौंधापन है साथ में, एकदम जो होता है करारा, बिल्कुल करारा है। गर्मी में आइसक्रीम और ठंडा में लाइट। तो सब लोकल यही का रिवा का सब एक परिवार से, अलग अलग। दो खा गया मैं। मैंने खुद के अपने हाथ से बनाए हुए थे। कैसे लगे आप लोगों को बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसंद आया? हम जो बनाए थे ना इन लोगों को पसंद आया। आपके वाला नहीं खाया लोग? ऐसा नहीं होगी, ये भी एक ठेला लगा ले यहाँ पे आगे चल के। सीख तो गए ये। लगा दे, आ जाए कैसे? कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ, कंपटीशन बढ़ जाएगा। एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, कहाँ सुने वाला। बहुत बढ़िया गाना है भोजपुरी। We'll be right back.
कब से इस काम में है आप? ये मुझे हो गया, मैं जब 10-12 साल का था तब से मैं शुरू किया। तो आपके परिवार में ही चलता आ रहा है ये? मेरा एक ही परिवार है, कुंदेर परिवार, उसके अलावा कोई करता ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता? हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में कोई? अच्छा, हिंदुस्तान की बात, पूरी दुनिया में कोई? पूरे विश्व में कोई नहीं। वर्ल्ड फेमस ये आर्ट है। नहीं, बाहर तो नहीं गए, लेकिन बाहर पूरा जाता हमारे इंडिया से बाहर, कंट्री के बाहर ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, लंदन हो गया, बहुत दूर दूर से जाता है हमारे। आपने सीखा कैसे जी? किससे सीखा बनाना? ये मैंने अपने पापा जी से सीखा। और पापा जी ने? पापा ने अपने पिताजी से सीखा, और पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा। ये चौथी पीढ़ी हम, पहले हमारे परदादा जी चलाते थे राम सिंह कुंदेर, उसके बाद राम मिलन कुंदेर मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी ऋषि कुंदेर, उसके बाद अभिषेक कुंदेर जो मैं। ये हमारी यंग में लास्ट पीढ़ी हम ही हैं, सबसे कम अब हम ही बचे हैं, सिर्फ सिंगल, इसके बाद अभी। क्यों? क्योंकि कोई सीखे ही नहीं है। अब ये मैं सिखा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में सिखा रहा हूँ मैं। तो ये सुपारी कहाँ से आती है? सुपारी नॉर्मल जो आती है केरल से आती है, और यहाँ जो नॉर्मल दे के थोक के रहता है उन्हीं से लेते हैं हम लोग छांट कर। वैसे नॉर्मल है मतलब 600 रुपए किलो, हम लोग 800-900 रुपए किलो लेते हैं छांट कर। साबुत सुपारी? हाँ, सुपारी छांट कर ही लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी सुपारी है। ये सुपारी जब हम लोग 10-20 किलो लेते हैं तब 3-4 ये सुपारी निकलती है, इसको इकट्ठा करके इतने बड़े हम लोग राधा कृष्ण बनाते हैं इसको। इस आर्ट वर्क का कोई नाम भी है? इस कला का कोई नाम भी है? कला का कोई नहीं है, सुपारी कला। सुपारी कला बोलते हैं? सुपारी कला के खिलौने। सुपारी के खिलौने बताइए, जो सुपारी हम लोग पान के साथ चलाते हैं, जो खाते हैं नॉर्मल, कोई अलग से नहीं, उसके खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ पे। ये स्टार्ट कैसे हुआ है ये चीज? स्टार्ट ऐसा हुआ है कि पहले हम लोग लकड़ी का काम करते थे, जहाँ पर मेरी शॉप है वहाँ पर। तो मेरे जो दादाजी है, पहले उसको सुपारी का छीरा निकाले थे, उसको भिगा कर पहले बनाते थे। तो उस दरबार में जो महाराजा है गुलाब सिंह, उनको दरबार में पहले उनको छीलन दिया गया। तो उन्होंने मतलब वो चीज कुछ बताया कि इसका जब छीलन निकालते हो तो इसे अच्छा कुछ बनाओ। तो मेरे दादाजी ने एक छोटी सिंदूरदानी बनाई थी वो चीज़ से। फिर सिंदूरदानी से फिर उनको फिर सोचे कि और कुछ क्यों ना बनाया जाए। फिर वो मोर, फिर ये गणेश जी तो उस समय नहीं बनते थे। फिर छड़ी हो गई, रूल हो गया, कंगारू सेट हो गए, ये सब नॉर्मल फिर बता दें। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी 68 में, इंदिरा गांधी अपनी इंदिरा गांधी फिर यहाँ आई थी, उनको छड़ी गिफ्ट दिया गया था। तो उन्होंने हम लोग बाबा जी को कुछ इनाम दिया था पैसे वगैरह, राष्ट्रपति द्वारा हम लोग सम्मानित थे 1968 के। चलिए अभिषेक जी, धन्यवाद, बाय बाय। ये भी नमस्ते कर रही है। चलिए, ये नेक्स्ट स्टॉप है हमारा, दुकान का नाम है श्याम मुगौड़ी वाले, और इस इलाके को कहते हैं छोटी दरगाह। और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप देख लें, नाम है श्याम और बाजू में है आपकी दरगाह। जिस शॉप पे अभी हमें, इसका नाम है श्याम मंगोड़ी वाला, बहुत ही भयंकर शोर है यहाँ पे। और मंगोड़ी बना है मूंग की दाल से, साथ में इसमें प्याज है, अदरक है, लहसुन है, धनिया पत्ती और हरी मिर्च बस। और उसके बाद इसको सोयाबीन ऑयल में तलते हैं, और फिर उसके बाद जो इनका टेस्टी मसाला है टेस्टी नमक वो डालते हैं। साथ में आम की चटनी है, और ये है आलू बोंडा। आई सर, रायका लिया जाए, आप ही लीजिए। देखिए, और इस चौराहे को हम लोग हॉस्पिटल चौराहा कहते हैं। हाँ, हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल चौराहे पास में, बाजू में हॉस्पिटल है संजय गांधी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं यहाँ? बिल्कुल नहीं, या यहाँ से खा के वहाँ जाते हैं? नहीं, मुगौड़ी तो पेट के लिए बहुत फ़ायदा करती है, जो मूंग की दाल के आइटम होते हैं, हल्का होता है, लाइट होता है। और मुगौड़ी के जायके की बात की जाए तो बिल्कुल एक बुनियादी जायका है, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, और बिल्कुल भी मसालेदार नहीं है। सिर्फ जो फ्लेवर है वो नमक का है आपके पास, और हरी मिर्च का है। ये आलू बोंडा है।
मेरा जो आलू का मसाला है बिल्कुल अच्छे से इसकी भुनाई हुई है, साथ में जीरा, गरम मसाला और अमचूर। बेहतरीन स्वाद है इसका, ज़बरदस्त, ये बहुत ही उम्दा है। आगे देखिए, एक अच्छा सा इसमें खट्टापन है, मुझे दोनों ही चीज़ बहुत ही लगी। इस नमक पारे को यहाँ पे सलोनी बोला जाता है, कहीं पे इसको निमकी बोलते हैं, कहीं इसे मटर बोलते हैं, और यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसे सलोनी बोला जाता है। वाह, इसमें देखिए कितनी सारी परत है, कितना लेयर बनाया है उन्होंने, ये मज़ा आता है चाय के साथ, है गर्मा गर्म चाय और साथ में सलोनी मिल जाए, मतलब मिट्टी निमकी मिल जाए। वाह, सलोनी इतनी टेस्टी है कि अगर दांत हल्के कमजोर हो फिर भी यहाँ की बहुत टेस्टी है, मुलायम है। हाँ, मुलायम और लाजवाब है। बिल्कुल आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं, मतलब बहुत ही बढ़िया थी वो, बहुत बढ़िया थी। अरे वाह, एकदम सॉफ्ट और अंदर में अच्छे से पका हुआ। इसको रसगुल्ला बोलते हैं क्या यहाँ पे? इलाहाबाद में भी यही बोलते हैं। अब प्रयागराज जाएंगे वहाँ भी गुलाब जामुन को रसगुल्ला बोला जाता है। बहुत ही उम्दा। तो लाला जी टमाटर चाट बना रहे हैं, इसमें क्या क्या डाला है पहले बता दिया? टमाटर डाला है, आलू डाला है अभी, तो अब मटर डालेंगे, उसमें नमक मिर्ची बाकी सभी डालेंगे। ये मटर डाल रहे हैं, वाह, धनिया का चटनी, हाँ, सकोरे का रस्सा, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, ये जीरा, भुना जीरा, धनिया पत्ती। आपको बता सकते हैं कितना खुश हूँ मैं ये देख के, मतलब ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें बहुत समय बाद आप खा रहे हो, तो होता है एक कैसा आलू टिक्की रेगुलर खाते रहते हैं, लेकिन टमाटर कहीं जल्दी मिलता नहीं है खाने को, ये फ्लेवर नहीं मिलता जो तवे में अच्छे से भून के बनाया गया हो। आप सर कहाँ से हैं? हम यहीं दीवा, दीवा कहीं है। कितने साल से आप ये? हमको वैसे तो काफ़ी साल से हो गया, मगर यहाँ पे लगाते हमको कम से कम 22 साल हो गए। ये पूरा चाट हम हैं, हम तो कई दुकानें हैं चाट की। हाँ, पहले यहाँ पे पहले किसकी थी? पहले हमारे थे चाय वाले की थी। शुरुआत करने वाले आप हैं, बाद में बाकी लोग भी आ गए। तो आपको लाला चाट सेंटर बोलते हैं जी। क्यों? लाला हमारा नाम है, पहले अलग अलग नाम से बोलते बुलाते थे। अच्छा, आप हम अपना वो पर्सनल नाम लिखवा दिए। चलिए बढ़िया है। जबरदस्त, बिल्कुल चटपटा और खट्टा मीठा। बोलता है कि मेन जो चाट हमारी टमाटर की चाट है वो सही परिभाषा बताता है चाट की। ये बिल्कुल, इसमें आपको देखें इसमें खस्तापन के लिए इन्होंने ये डाला है, जो मठरी बोले या फिर करेला बोलते हैं, खस्ता ही बोलते हैं, वो डाला गया। उसके बाद मीठापन के लिए आपके पास टमाटर भी है, साथ में चटनी भी डाली है। बहुत जगह पर क्या करते हैं, चाशनी डाल देते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, आप जाएंगे बनारस में चाशनी डालते हैं गुलाब जामुन की। उसके बाद खट्टी चटनी भी डाली हुई है, उसके बाद आलू भी है, तो मतलब सभी टेक्सचर्स, सभी फ्लेवर्स आपको चाट में मिल जाए। हाँ, सारे स्वाद अलग, पता भी लग रहे हैं जी, सभी सभी आ जाए, वही असल चाट है। और सर्व करने का तरीका भी देखें, ये पत्ते में, ये मालू का पत्ता है। हाँ, और सरल भाषा में चाट को बोला जाए चाट, वो चीज़ इसको आप चाट के खाते हैं, फिंगर लेकिन फूड जो कहते हैं हम लोग, अपने चाट से खाते हैं, तो वो चाट होनी चाहिए कि जो आप खाएं आपको चाटने का मन करे, चाट जाए आप। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गर्मा गर्म चाट। दादाजी मज़ा आ गया। तो ये फुल्की है, इसके अंदर में आपका मटर और पानी है, साथ में आप प्याज अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और ये मालू के पत्ते में। बहुत ही उम्दा,
ये जो गरम मटर का अलग स्वाद आता है, बहुत शानदार। ऊपर से ये थोड़े से कच्चे प्याज डाला। हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, आप क्या बता रहे थे आम के बारे में? आम, जैसे आम की कटाई है, इसमें दो प्रकार का रहता है। जैसे अमचूर बनाना तो इसी को बन जाएगा। एक कैथा का अमचूर रहता है, तो वो तो उपयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि आम ही उपयोग करता हूँ। तो ये लास्ट में मिलती है सूखी भी मटर और भुना जीरा काला नमक के साथ में। और कितने सिंपल रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बाद भी कितना अच्छा स्वाद है जी। आप देखो कितने सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। ये इतना पतला कैसे बनाते हैं? वो पतला रहता है, इतना मसाला रहता है, बस इतना आया है। नहीं, ये जो फुल्की है, ये फुल्की आटे की रहती है ना, इतना पतला है। हाँ, वो फूले की पतली रहेगी। ये देखिए, कला है इतना पतला बनाना भी। इसमें भी सभी वही है, चटनी, मटर, दही, सभी चीज़ें। और जैसे गोलगप्पे के पूरे देश में अलग अलग नाम है, कहीं पानी पूरी, कहीं पताशे, कहीं पटाखे, कहीं पानी की टिक्की। यहाँ रीवा में इसको फुल्की, फुल्कियाँ कहते हैं। इनफैक्ट आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहाँ भी फुल्की कहते हैं बहुत जगहों पर, प्रयागराज में वहाँ फुल्की कहते हैं। मज़ा आ गया लाला जी की, हर एक चीज़ बहुत उम्दा है, मज़ा आ गया। ये सकोड़ा है, इसमें पालक का पकोड़ा और साथ में ग्रेवी और प्याज। तो ये ग्रेवी किसी बनाते हैं? ये रसा, रसा उसी का बनता है, मसाला जो बनाते हैं प्याज वगैरह डाल के, प्याज लहसुन अदरक मिर्चा वगैरह जो भी डाल के सब इसमें बनाते हैं। ये जो डिश है, ये हमने एक ही बार खाई थी प्रयागराज में, और सेकंड टाइम अब रीवा में खा रहे हैं। इसका मज़ा तो खाने का इसमें आता है, तरी में है, और बहुत स्पाइसी होती है। इनकी उतनी स्पाइसी नहीं है, आपका उतना तीखा नहीं है, बाकी वहाँ प्रयाग में भयंकर तीखा था। ये हम लोग बीच मार्केट में आए हुए हैं, इसे सिल्की प्लाजा कहते हैं, और यहाँ पे एग रोल की बहुत शानदार शॉप है, कबाब है, उसके अलावा फ्राइड एग है। तो ये चौपाटी है, यहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं, सारे सारे हैं, सारे कुल्फी, फुल्की, चाट, डोसा, सब चौपाटी इसीलिए फेमस ही रहती है हर जगह। एग कबाब खिलाइए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये एग कटलेट भी खिलाइए। एग रोल नहीं खाएंगे हम, एग कटलेट और एग कबाब ही खाएंगे। वाह, अच्छा ये बॉयल्ड एग है, उसके ऊपर मैं आलू का मसाला और ब्रेड क्रम्स लगा के तल दिए हैं इसको। और ये है एग कबाब, और ये भी बॉयल्ड अंडे के साथ बनाते हैं, बॉयल्ड अंडा, फिर बिस्किट का चूरा, आलू है, हाँ हाँ, पूरा गरम मसाले के साथ कच्चा बंटू अंडा रोल। नहीं नहीं, लिखा था, मैंने निकलवाया है। क्या नाम है? चच्चा बंटू अंडा रोल है। चच्चा बंटू अंडा रोल, चच्चा बंटू अंडा रोल, चली जाता दुकान। अब उनको बैठा दिया गया है, अपना भी नाम छोड़ दिया। नहीं तो चच्चा यहीं खड़े होते हैं, हम यहीं पे खड़े रहते हैं जी। मैं यहीं पे खड़ा हुआ करता था, तो क्या हो गया, बंद कर देते हैं। अब आप पोजीशन चेंज हो गया है, हैं? अब ये चच्चा की जगह ले रहे हैं धीरे धीरे। आइए कटलेट खाया जाए। एक रोल के बीच में दवा कैसे फैला के जब ये खिलाते हैं ना, तो बहुत ही शानदार मजा आता है। ऐसा भी बहुत बढ़िया। एक कबाब नहीं खाया मैं इसको। तो अंडा का क्वांटिटी कम डालते हैं थोड़ा कबाब में।
मतलब एक बात है, आपका रोल बनते हुए हम देखे काफ़ी यूनिक था, लेकिन आपका चटनी वटनी कुछ नहीं है, कोई नींबू, सिर्फ अपना अंडा पराठा टाइप बनाया और उसके ऊपर में कबाब डाल दिया, कटलेट डाल दिया है, बस। तो मतलब जो स्वाद लाता है रोल में वो कटलेट और कबाब ले आता है, गरम मसाला वसाला इसमें है ही। चलिए, ये यूनिक था थोड़ा आपके। चलिए, ये डाले लहसुन, ये बनाया जा रहा है चिकन बघेली, हरा मिर्च, टमाटर। ये चिकन पहले से पका कर रखते हैं क्या? क्या चीज़ें पकाते हैं? क्या क्या ग्रेवी बनता है? क्या चीज़ का ग्रेवी होता है? वो डायरेक्ट बघेली बनती है। बघेली अलग से बनती है, ग्रेवी अलग से बनाते हैं और उसमें उसको पका देते हैं, इसको तड़का मार के देते हैं। अच्छा, अभी तड़का लगा दिए इसमें गरम मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, तो इसका भुनाई कर रहे हैं। ये ग्रेवी क्या चीज़ का है? धनिया का ग्रेवी, प्याज का बनती है, प्याज और धनिया, साबुत धनिया जो होता है, पाउडर होता है, धनिया पाउडर जी। क्या रोगन डाले हैं? ये आ गया चिकन बघेली और तंदूरी रोटी। ये बघेल खंड की डिश है जी, चिकन बघेली इसको बोलते हैं, चिकन बघेली बोलते हैं। और हमने इसको किचन में बनते हुए देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ इसमें खास नज़र नहीं आया, जो जिस तरह से हम लोग चिकन करी बनाते हैं जी, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने बनाया है। मतलब प्री कुक चिकन था, प्री कुक ग्रेवी थी और उसको एक पैन में रख के असेंबल कर दिया गया जी। तो आज महाराजा रेस्टोरेंट, महाराजा होटल महाराजा, यहाँ पे बहुत पुराना होटल है ये, 1984 का है ये होटल, रीवा का सबसे फर्स्ट होटल है। तो इनके पास बार भी है और रेस्टोरेंट भी है, दोनों है, बार एंड रेस्टोरेंट दोनों, और ऊपर एकोमोडेशन भी है। अच्छा, लोग ठहर भी सकते हैं, आइए शुरू किया जाए। है बिल्कुल काढ़ी ग्रेवी में, तो काफ़ी डिलीशियस। एरिया वाइज टेस्ट भी चेंज होता है, जैसे आप चिकन करी वहाँ की टेस्ट करोगे और अदर स्टेट की, तो आपको ऐसे नहीं लगेगी जैसे यहाँ पे लगेगी। और चिकन बहुत ही सॉफ्ट जूसी है, लेकिन एक जो मुझे थोड़ा स्वीटनेस ज़्यादा लगी इसमें, मिठास जी। जिस तरह से चिकन बघेली है वैसे मटन बघेली भी बनती होगी जी, मटन बघेली भी, इसका नाम पड़ा है इस रीजन के ऊपर अकॉर्डिंग, बिल्कुल हाँ, जिनका नाम जैसे बघेलखंड कहते हैं तो उसे बघेली चिकन हुए जी। और जो हम कल एक्सपीरियंस करने वाले हैं गांव में जाके, वो वेजिटेरियन मील होगा, वेजिटेरियन बघेली, वेजिटेरियन मील जी। धन्यवाद शशांक, बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारा रीवा में, हमने एक पर एक चीज़ें आपके साथ खाई, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा रीवा के जायके का सफ़र समाप्त हुआ, हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ, तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, आइए फिर, चीयर्स। बघेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश में मुख्यतः इसमें पांच जिला आते हैं, जिसमें आपका रीवा हो गया, सतना हो गया, शहडोल हो गया, सिंगरौली हो गया और सिद्धि हो गया। तो और बघेली खाने में और क्या क्या चीज़ें हैं?
बघेली खाने में आपके बड़ा हो गया, इसका बड़ा बनाएंगे। लौकी को किसके लौरा बेसन मिला के उसको भी बनाते हैं, चने की दाल का बेसन हो। इसमें आपके पास आलू गोभी की सब्जी है, इंद्रहर की कड़ी है, दिकमच की सब्जी है, उसके बाद महुए की पूड़ी है, गेहूं के आटे की पूड़ी, गेहूं के आटे की रोटी, उड़द दाल का बड़ा, मूंग की दाल का बड़ा, दाल भात, पापड़ और अचार व सलाद है। और चलिए सर, इसका आनंद लिया जाए।